फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे अपने पौधे के लिए 6 ऐसे काला पानी, इसके इस्तेमाल से हमारे गुलाब के पौधे काफ़ी हरे भरे और नई ग्रोथ के साथ ढेरों कलियां बनेंगी। 10 से 12 इंच के गमले में यदि ढेर सारे कलियां और फूल बनते हैं, यानी एक गार्डनर की मेहनत होती है। समय समय पर पौधे में खाद देना, धूप का ध्यान रखना और साथ में पानी देते रहना, इन सब बातों का ध्यान देते हैं तभी पौधे में अच्छी ग्रोथ और ढेरों कलियां और फूल देखने को मिलते हैं। गुलाब का पौधा सन लविंग प्लांट होते हैं। इस पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। पौधे में पीली पड़ रही पत्तियों को समय समय पर हटाते रहें। पीली पत्तियां हटाएंगे तो ही नई पत्तियां बनेंगी और नई ग्रोथ देखने को मिलेंगे। लिक्विड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से पौधे में ढेरों नए नए शूट्स और कलियां बनेंगी। सारे सूक्ष्म पोषक तत्व से 6 लिक्विड फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे सभी तत्व मौजूद हैं। पहला फर्टिलाइजर है ओनियन पील फर्टिलाइजर। मुट्ठी प्याज के छिलके को रात में भिंगो कर छोड़ दें। दूसरा फर्टिलाइजर है अनार के छिलके। अनार के छिलके में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक अनार के छिलके को पूरी रात पानी में भिंगो कर छोड़ दें। अनार के छिलके में पोटाश की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसके बाद तीसरा फर्टिलाइजर है आलू के छिलके से बने हुए फर्टिलाइजर। वो आलू के छिलके को रात भर पानी में भिंगो कर छोड़ दें। आलू के छिलके में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और पोटाश की बहुत अच्छी मात्रा होती है। चौथा लिक्विड फर्टिलाइजर है, हमारे घर में अक्सर बेकार कांटी पड़े रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं। स्किल में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाए जाते हैं। पांचवा लिक्विड फर्टिलाइजर है चाय पत्ती से बने हुए। 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती पानी में भिंगो कर रात भर छोड़ दें। चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में एनपीके का रेशियो होता है। छठा फर्टिलाइजर है केले के छिलके से बने हुए। तो केले के छिलके लें और इसे भी पानी में भिंगो कर रात भर छोड़ दें। केले में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाश पाए जाते हैं जो फूल वाले पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर है। इस प्रकार 6 ब्लैक टी जो हमारे फूलों वाले पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर होते हैं जो हमारे घर में फ्री में ही मिल जाया करते हैं। अब जानते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए एक पॉट लें। उस पॉट में अपने सारे फर्टिलाइज़र बारी बारी से डालें। लोग गुलाब के पौधे में आयरन डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आयरन डस्ट हम घर में ही कील को पानी में भिगोकर अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन के इस्तेमाल से हमारे पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं और समय से पहले झड़ते नहीं हैं। इसलिए जिस तरह नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम जितना पोषक तत्व पौधे को आवश्यक है, इसके अलावा आयरन की भी बहुत ही ज़रूरत होती है पौधों में। क्या आयरन की कमी कील वाले पानी से पूरी की जा सकती है तो हमारे घर में बिल्कुल फ्री ही मिल जाया करते हैं। घर पर बेकार पड़े रहते हैं, इसका यूज़ हम गार्डनिंग में करते हैं तो पौधे में भी आयरन की कमी नहीं होती। इस लिक्विड फर्टिलाइजर में 4 से 5 गुना पानी मिलाएं। गुलाब के पौधे में यदि पानी की कमी हो जाती है तो पत्तियां इस तरह स्ट्रेस फील करती है और पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं। मेरे गमले की मिट्टी बिल्कुल ड्राई है। फर्टिलाइजर डालने से पहले गमले की थोड़ी सी हल्की हल्की गुड़ाई कर लें और मिट्टी सूखी हो तभी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। अपने गमले में 1 से 2 ग्लास के करीब इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल दोबारा 25-30 दिन के अंतराल में फिर से कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे में गजब की ग्रोथ देखने को मिलती है। मैं अक्सर अपने पौधों में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। इससे मेरे पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत अच्छे होते हैं। गुलाब के पौधे के अलावा अन्य पौधों में भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन
जब काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और हमारी मिट्टी भी खराब नहीं होती है। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कैलेंडुला, गेंदा के फूल, सभी प्रकार के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से बहुत जल्दी पौधे में कलियां और फूल बनते हैं। आपके पौधे में नई ग्रोथ के साथ पौधे बहुत जल्दी खराब भी होते हैं, इसलिए पेस्टिसाइड के रूप में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। पत्तियों में छिड़काव से पत्ते काफ़ी स्वस्थ रहते हैं और पौधे की पत्तियां स्वस्थ रहती है तो ही पौधे फूल और कली बनाते हैं, इसलिए पत्तियों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पत्तियां स्वस्थ रहेंगी तभी पौधे में इस तरह के ग्रोथ और कलियां देखने को मिलेंगी। इसलिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधे की जड़ के साथ पत्तियों में भी करें। इस बचे हुए फर्टिलाइज़र से नेल निकाल कर किसी पॉट में डाल कर रखें। इसका उपयोग गुलाब के अलावा मोगरा, गुड़हल जैसे पौधे में भी कर सकते हैं। बाकी बचे हुए तत्व को पानी डालकर रख लें, फिर से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे पौधे में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। यह 6 प्रकार के लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे थे जो घर में ही बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह फ्री के चीज़ों से पौधे को न्यूट्रिशन युक्त काला पानी बनाकर पौधे की जड़ में डालें, पौधे फूलों से लदे रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।